लखनऊ में युवा महोत्सव चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की इस कार्यक्रम की। आज दिखा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री शिवेंद्र तिवारी जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी अन्य सहयोगीगण, राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभाड़ चंद्र कौशिक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, सचिव भारत सरकार श्री आर एस जुलानिया जी, प्रमुख सचिव युवा कल्याण उत्तर प्रदेश श्रीमती डिंपल वर्मा जी, संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री अशित सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, लखनऊ के मंडलायुक्त श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, युवक मंगल दल और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने से उत्तर प्रदेश की धरती पर उसके हृदय स्थल राजधानी लखनऊ में पधारे मेरे सभी युवा साथियों, आप सबका मैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पधारने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं भारत माता के इस महान सपूत स्वामी विवेकानंद जी की 157वीं पावन जयंती के अवसर पर राष्ट्र सेवा के लिए उनके योगदान को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी युवा साथियों की ओर से भारत माता के इस महान सन्यासी को अपनी कोटि कोटि श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज पूरा देश उस युवा सन्यासी के समाज और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान को स्मरण करते हुए उनकी इस जयंती के कार्यक्रम को युवा महोत्सव के रूप में मना करके उससे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर रहा है, और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि मुझे जब मेरी सरकार का तीसरा वर्ष उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए व्यतीत हो रहा है तो मुझे यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव दूसरी बार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ केंद्रीय युवा कल्याण और खेलकूद विभाग के लोकप्रिय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश को मेरे इस कार्यकाल के दौरान इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करने का अवसर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, श्रीमान किरेन रिजिजू जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, और उत्तर प्रदेश अपने युवा साथियों का जो देश के कोने कोने में युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं,
अपने इन सभी युवा साथियों का स्वागत करने और उनकी ऊर्जा का उपयोग हम समाज और राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकेंगे, यह एक अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि महोत्सव 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है और इस दौरान आपको यहां पर पूरे देश से आए हुए इन युवा साथियों के जीवन के अनुभव को जानने और अनुभवों से और उनकी युवा ऊर्जा से बहुत कुछ सीखने और जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। हर एक के पास कुछ नया अनुभव होगा। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अनेकता में एकता है और अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। विशेषता जाति में है, मत पंथ और संप्रदाय में है, वेशभूषा में है, भाषा में है, खान पान में है, रहन सहन में है, लेकिन ये अनेकता एकता में तब बनती बदल जाती है जब वो अनेकता एक भाव और एक भावना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये भारत मऊ भारत का निर्माण आज इस रूप में हम सबको देखते हुए यहां पर बन रहा है, इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विगत वर्ष हमें उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि कुंभ के आयोजन के पहले लोग मुझसे पूछते थे कि कुंभ में कितने लोग आएंगे, तो मैं कहता था कि जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे कम श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में नहीं आएंगे। इस बात को नोट करना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ में 24.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया था। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और कुंभ के आयोजन में 24.5 यानी 24.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया। और साथ ही साथ कुंभ का आयोजन पहली बार सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वच्छता का एक नया संदेश देकर के भी देश और दुनिया को गया है। और इस बार मेरा सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों को आप सभी युवाओं के साथ युवा कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और ये युवा कुंभ देश की युवा ऊर्जा का प्रतीक बन करके देश के 65 करोड़ युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। इस दृष्टि से आज मैं एक बार पुनः इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आपने प्रातःकालीन कार्यक्रम देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी के उस पवित्र मंदिर में प्रातःकाल ही उन्होंने कोलकाता में वहां जाकर के दर्शन किए, वहां के सन्यासियों के साथ भेंट की और उनके साथ ही उन्होंने देश को अपना मूल्य संदेश स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने का एक संदेश उन्होंने वेलूर मठ से ही वहां से कोलकाता से दिया है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी और बात उन्होंने कही थी कि जब कोई मनुष्य अपने पूर्वजों के बारे में ही लज्जित
होने लगे तब समझ लो कि उसका अंत आ गया है। यानी हम अपने अतीत के गौरवशाली क्षणों पर जब गौरव की अनुभूति न कर पा रहे हो, अपने पूर्वजों पर, अपने उस उन महापुरुषों के पुरुषार्थ पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय जब हमें लज्जा महसूस होने लगे, तो समझ लो कि फिर हम अपने आगे के भविष्य को स्वयं कुंद कर दे रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अतीत से कटा व्यक्ति वर्तमान का त्रिशंकु होता है। त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह किसी उद्देश्य में सफल नहीं होता है, वो भटकता रहता है। और हमें पेंडुलम नहीं बल्कि एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य करना है, और उस निरंतर कार्य करने की उस प्रवृत्ति का हिस्सा हम बन सकें, इसके लिए 23वां युवा महोत्सव आप सबका आह्वान करने के लिए स्वामी विवेकानंद के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब आगे बढ़ सकें, यह एक प्रेरणा या 23वां युवा महोत्सव हम सबको प्रदान कर रहा है। यह देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि यह देश 1947 में बना। और इसीलिए मेघालय मानसिकता के उन लोगों ने इस बात को बढ़ा चढ़ा करके भी प्रस्तुत किया, और उस पर उन्होंने इस रूप में टिप्पणी की कि वी आर नेशन इन द मेकिंग, यानी हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं। और कुछ लोगों ने तो उससे भी आगे जाकर कह दिया है कि आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, यानी लोग दुर्घटना से पैदा हो गए, ये कहने में भी कुछ लोगों को संकोच नहीं हुआ। और भाइयों बहनों, जब लोग हमारे बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में, इसकी अस्मिता, इसकी एकता, इसकी अखंडता पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं, तब हम लोगों को भारत के उस अतीत से, जिस अतीत के बारे में स्वामी विवेकानंद ने हम सबको एहसास कराया था, उस ओर झांकना ही पड़ेगा, उस ओर देखना ही पड़ेगा। और जिन्होंने उस समय कहा था, अगर आप देखेंगे, हमारा वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, और वेद हमें किस बात की प्रेरणा प्रदान करते हैं? हमारा अथर्ववेद कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी हम सब, यानी भारत हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। यह भाव दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद के रूप में हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और यही नहीं, यजुर्वेद ने इस बात का आह्वान हमारे लिए सदा का सदैव किया कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी राष्ट्र की उन्नति प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वेद हमें प्रेरणा, हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक साधना से प्राप्त जो तत्व ज्ञान इन पवित्र ग्रंथों में निहित है, वह हमें किस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है? लेकिन जिन लोगों को भारत के अतीत की जानकारी नहीं, वे भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार करते रहे, वे भारत के बारे में आज भी किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, देश के कुछ चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में लगने वाले नारे इस बात के बारे में निरंतर हम पर सबको कचोड़ते हैं, इस बारे में हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं और हम सबको सचेत भी करते हैं कि इस देश के खिलाफ खड़यंत्र करने के अड्डे कहां पर है, भारत के संसाधनों से पलने वाले लोग, और भारत के खिलाफ ही खड़यंत्र करके भारत को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की आग में झोंकने का कार्य किस रूप में कर रहे हैं,
आपने देखा होगा उनके वक्तव्यों में भी, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वेद हमें किस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। और साथ साथ अगर आज से 2.5 से 3 हजार वर्ष पूर्व पुराणों में हम जाए तो पुराण भी हमें भारत की सीमाओं के बारे में स्पष्ट उसका एक चित्र हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं देख रहा था विष्णु पुराण की एक श्लोक को मैं देख रहा था और हमने भारत की सीमा को उल्लेख इस रूप में किया। विष्णु पुराण कहता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्य व दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी 2500 वर्ष पहले हमारा पुराण आज के इस भारत के बारे में यह स्पष्ट रूप से बोल देता है। यानी हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर जो यह देवताओं के द्वारा निर्मित यह भूभाग है यह भारत है और इसकी संतति ही भारतीय कहलाती है। ये भारतीयता का एहसास कराने वाला आज से 2.5 से 3 हजार वर्ष पुराना श्लोक उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो लोग हमें आज भी ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम अभी तो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं। मुझे याद है मैंने बहुत पहले केरल के पूर्व साम्यवादी मुख्यमंत्री श्री अच्युत मेनन की एक मलयालम पुस्तिका में उनके एक आदेश को पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने 80 के दशक में एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था। उन्होंने कहा था कि जब इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही थी उस समय देश के अंदर राजनीतिक एकता के अभाव में हम लोग ये मानते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं ये बहुराष्ट्रीयताओं का समूह है। लेकिन जब मुझे इसकी तह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उसकी गहराइयों में गया और मैंने पाया कि वास्तव में हम जिसे भाषा कहते हैं, हम जिसे अलग अलग भाषा भाषी कहते हैं या जो हम राजनीतिक रूप से बड़े ही मतभेद रखते हो ये वास्तविकता नहीं है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, पूरे देश की भाव और भावनाएं एक जैसी हैं और ये मेरे दिमाग में तब आती हैं जब मैं देखता हूं कि केरल से ही निकला हुआ एक सन्यासी आदि शंकराचार्य के रूप में देश के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना करके भारत की एकात्मता का संदेश देकर के चला जाता है। अगर भारत एक राष्ट्र नहीं होता तो केरल से निकला हुआ एक सन्यासी भारत के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना कभी नहीं कर पाता। और तब उन्होंने कहा था कि जिन्हें हम मंदिर कहते हैं, जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, वास्तव में केवल ये आस्था और उपासना के केंद्र नहीं बल्कि सही मायने में हमें देखना है तो ये केंद्र राष्ट्रीय एकात्मता के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं और महत्वपूर्ण केंद्रों का संरक्षण भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इस महोत्सव को संबोधित किया और बताया कि सभी संस्थाओं का, पदाधिकारियों का स्वागत है। अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है, तो एकता ही भारत की विशेषता है, कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का।